मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आप लोगों को स्वर और व्यंजन के भेद के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वयं हो, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चरित हो, उनके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, अर्थात जो वर्ण स्वतः ही उच्चरित हों, उन्हें स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतः उच्चरित हों, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण स्वतः उच्चरित हो, उन्हें स्वर कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? अच, स्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। तो स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे 9 स्वर होते हैं जो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अच प्रत्याहार के अंतर्गत। अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये स्वर आते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से स्वर होते हैं? 2 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा मूल स्वर, मूल स्वर, और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर, इनको हम क्या कहते हैं? संध्य स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वरों को संध्य स्वर भी कहा जाता है। तो अब हम जानेंगे कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो होते हैं अ, ई, उ, री और ली। ये जो हमारे 5 स्वर हैं अ, ई, उ, री और ली, ये हमारे 5 स्वर होते हैं जो मूल स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और ली, इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वर या संध स्वर किसे कहते हैं? तो ये जो हमारे वर्ण हैं ए, ओ, ऐ और औ, ये हमारे संयुक्त स्वर यानी कि अच स्वर के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ और औ। तो इन मूल स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है? तो जो हमारे मूल स्वर होते हैं वो स्वतः ही बनते हैं, इन वर्णों में किसी अन्य वर्ण को नहीं जोड़ा जाता है। आ, आ ही रहता है, ई, ऊ, री, ली, ये स्वतः ही बनते हैं, इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किंतु जो ये ए है, ऐ है, ओ है और औ है, तो इन वर्णों में 2 वर्णों से ये वर्ण मिलकर बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो हमारा ए वर्ण है ये किससे मिलकर बना है? अ और ई से, आ और ई से मिलकर बनते हैं, ये हमारा ए बनता है। क्या बनता है? आ और ई से, ए मिलकर बन, आ और ई से मिलकर बनता है ए, इसलिए इसे संयुक्त स्वर या संध स्वर भी कहा जाता है। और ये जो हमारे वर्ण होते हैं मूल स्वर, तो इसमें किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इसमें 2 वर्णों से मिलकर बनता है ए, आ और ई से ए मिलकर बनता है, और आई इसका दीर्घ रूप होता है। और अगला जो वर्ण हमारा है ओ, ओ किससे मिलकर बनता है? आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ, किससे मिलकर बनता है? आ और
उ से मिलकर बनता है ओ, तो इसमें भी दो वर्डों की सहायता से बना है ओ वर्ड, इसलिए ये भी संयुक्त स्वर है। और औ जो है वो ओ का दीर्घ रूप होता है, तो इसलिए ए में दो वर्ड हैं, आ प्लस ई से मिलकर बना है ए, ए का दीर्घ रूप है आई, आ और ऊ से मिलकर बना है ओ, ओ का दीर्घ रूप क्या है औ है, इसलिए ये जो चार वर्ड हैं ए आई ओ और औ ये हमारे संयुक्त स्वर हैं, इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। और जो हमारे मूल स्वर हैं वो हैं अ ई उ रि और लृ। तो यदि पेपर में पूछता है कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं या मूल स्वर कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि हमारे जो पांच स्वर होते हैं अ ई उ रि और लृ, इन स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है, और संयुक्त स्वर ए ऐ ओ और औ, इन चार वर्णों को संयुक्त स्वर या संधि स्वर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। अब हम जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो स्वर तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो मात्रा किसे कहते हैं, तो उच्चारण काल को मात्रा कहा जाता है। उच्चारण काल अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को ही मात्रा कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है कि जिन वर्णों के जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। कितना समय लगता है, एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ये स्वर कौन कौन से होते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जैसे है अ है, ई है, उ है, रि है और लृ है, तो ये क्या हैं, ये हमारे ह्रस्व स्वर हैं। इन वर्णों के उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है क्योंकि इसमें कोई भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए इन वर्णों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का अर्थात बहुत ही कम समय लगता है उन वर्णों को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कौन कौन से वर्ण हैं, अ ई उ रि और लृ, इन वर्णों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और अगला कौन सा स्वर होता है, दीर्घ स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, दो गुना अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो लिखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में कितना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, किससे दोगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है
उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो गुना मात्रा काल का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ये ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है और दो मात्रा काल का समय लगता है। तो कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं देखते हैं। जैसे दीर्घ स्वर में हमारा आता है आ और ई उ इत्यादि। तो इस पे दो गुना समय कैसे लगेगा देखते हैं। ये आ हमारा किससे मिलकर बना है? आ और आ, आ और आ मिलकर के बनता है अ। तो इसमें उच्चारण करते समय आ का हमें दो मात्रा काल का समय लगेगा। जैसे उच्चारण करते हैं आ, तो इसमें दो मात्रा काल का समय लगा है इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उसी तरीके ई है, तो जब हम ह्रस्व स्वर में ई का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? ई। और दीर्घ स्वर की जो दीर्घ ई है इसका उच्चारण कैसे करेंगे? ई। तो ये दीर्घ ई जो है इसमें ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लग रहा है अर्थात इसका उच्चारण करने में दो मात्रा काल का समय लग रहा है तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर हो गया, दूसरा है दीर्घ स्वर। अब तीसरा कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर। तो अब देखते हैं कि अगला हमारा स्वर है प्लुत स्वर। पहले हमने पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और अब तीसरा है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगे ज्यादा अर्थात ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज्यादा समय लगे तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं अर्थात इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज्यादा समय लगता है और तीन मात्राओं का समय लगता है इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। तो लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज़्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है? तीन गुना ज़्यादा समय लगता है। तीन गुना ज़्यादा समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज़्यादा समय लगता है इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो प्लुत स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो देखते हैं। जैसे प्लुत स्वर में आता है, जैसे हमारा लिखा है आ, तो इसके आगे आएगा तीन। ये तो ये निशान जहाँ पर होता है तो वहाँ पर प्लुत स्वर होता है। अगला है जैसे ओ और ये आ गया तीन, तो ये हमारा क्या है? प्लुत स्वर के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। इसका शब्द बनता है जैसे कि ओम। क्या बनता है? ओम। तो इसका जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें तीन मात्रा काल का समय लगता है अर्थात ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है। जैसे इसका उच्चारण करते हैं ओम, तो इसमें तीन गुना ज़्यादा समय लगता है अर्थात तीन मात्रा का समय लगता है इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो कौन कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री और लृ।
तो और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर को और क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इसका उदाहरण है आ, ई, ऊ आदि। और अगला हमारा जो स्वर है वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा काल का समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर से तीन गुना ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर का उदाहरण है जैसे कि इसमें आ है, उसके बाद यदि तीन ये आता है तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। ओ के बाद तीन आया तो वहां पर प्लुत स्वर होता है। इस तरह के शब्द जब आते हैं जिसमें वर्ण के बाद स्वर के बाद ये निशान हो तीन का, तो उसमें प्लुत स्वर होता है और इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है। और उच्चारण काल में इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो इसका जब उच्चारण करेंगे तो होता है ओम, तो इसमें तीन गुना अर्थात तीन मात्रा काल का समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। स्वर के और भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा उदात्त स्वर, और दूसरा अनुदात्त स्वर, और तीसरा स्वरित स्वर भी होते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले स्वर। स्वर के तीन और भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त स्वर किसे कहते हैं, अनुदात्त स्वर किसे कहते हैं और स्वरित स्वर किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। पहला हमारा स्वर है कौन सा है? उदात्त। तो उदात्त किसे कहते हैं? उदात्त सूत्र आता है उच्चैरुदात्तः। ये सूत्र क्या कहता है कि उच्चैः उदात्तः, क्या कहता है? इसका जब विग्रह करेंगे तो होगा उच्चैः उदात्तः, अर्थात मुख आदि के उच्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्णों को उदात्त कहा जाता है। किसे कहा जाता है उदात्त? मुख आदि के उच्चैः यानी कि उच्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्णों को उदात्त कहा जाता है। तो यदि प्रश्न आता है कि उदात्त किसे कहते हैं, तो आपको केवल सूत्र याद रखना है कौन सा? उच्चैः उदात्त। यदि आपको सूत्र याद होगा तो आप अच्छी तरीके से बता सकेंगे कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं। तो उदात्त किसे कहते हैं? उच्चैः उदात्त सूत्र। ये सूत्र क्या कहता है कि मुख आदि के उच्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्णों को उदात्त कहा जाता है। उदात्त किसे कहा जाता है? मुख आदि के उच्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्णों को उदात्त कहा जाता है। और अनुदात्त क्या होता है? अगला होता है अनुदात्त। तो अनुदात्त किसे कहते हैं? इसका सूत्र आता है, कौन सा सूत्र आता है? नीचे अनुदात्त। तो अनुदात्त में कौन सा सूत्र आता है? नीचैर अनुदात्त, नीचैर अनुदात्त। तो इस सूत्र का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीचैः अनुदात्त। तो ये सूत्र क्या कहता है कि मुख आदि के नीचैः अर्थात निम्न भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात्त कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुदात्त किसे कहते हैं? नीचैर अनुदात्त, अर्थात
मुख आदि के निम्न भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात कहलाते हैं। अनुदात में कौन सा सूत्र आता है? नीचैर अनुदात्तः। और अगला इसके बाद जो हमारा है वो है स्वरित। स्वरित, स्वरित में कौन सा सूत्र आता है? स्वरितः समाहारः। कौन सा आता है? स्वरितः समाहारः, समाहारः अर्थात दोनों भागों के मध्य भाग से। स्वरितः समाहारः मतलब दोनों भागों के मध्य भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण स्वरित वर्ण कहलाते हैं। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये तीन वर्ण होते हैं। उदात्त वर्ण किन्हें कहते हैं? तो उदात्त वर्ण इसका सूत्र आता है उच्चैर उदात्तः। अगर प्रश्न आता है पेपर में कि उदात्त वर्ण किसे कहते हैं और उसमें सूत्र दिया हुआ है उच्चैर उदात्तः, नीचैर अनुदात्तः, स्वरितः समाहारः या दिया है इनमें से सभी, तो हमें क्या करना है? उसमें उच्चैर उदात्तः हमारा सही ऑप्शन होगा। तो उच्चैर उदात्तः क्या कहता है कि मुख आदि के उच्च भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण उदात्त कहलाते हैं। और अनुदात्त क्या कहता है? निचैर अनुदात्तः। निचैर मतलब निचले भाग से, तो मुख आदि के निचले अर्थात निम्न भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण अनुदात्त कहलाते हैं। और स्वरित वर्ण कौन से होते हैं? स्वरितः समाहारः। तो ये वर्ण क्या कहते हैं कि स्वरितः समाहारः दोनों भागों के अर्थात उच्च भाग और निम्न भाग का जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग से उच्चरित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वरित कहलाते हैं। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहले तो होता है स्वर का मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, रि और लृ। और दूसरा है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दो मात्रा काल का समय लगता है अर्थात ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है आ, ई, उ इत्यादि। अगला है हमारा प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तीन गुना समय लगता है अर्थात त्रिमात्रा काल का समय लगता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो प्लुत स्वर का उदाहरण क्या है? जैसे कि आ के बाद तीन आ जाए, ये आ है इसके बाद ये तीन आ जाए, या ओ है इसके बाद तीन आ जाए, तो ये किसका उदाहरण है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। किसका है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। इसका उच्चारण काल किस प्रकार होगा? ओम। तो इसके उच्चारण में तीन मात्रा काल का समय लगता है इसलिए इन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और उच्चारण के आधार पर देखा जाए तो स्वर उच्चारण के आधार पर तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त क्या होता है? उच्चैर उदात्तः अर्थात उच्चैः उदात्तः। तो जिस उच्चैः उदात्तः मतलब मुख के ऊपरी भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उदात्त कहा जाता है। और अनुदात्त क्या होता है? नीचैर अनुदात्तः। तो मुख आदि के निम्न भागों से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित वर्ण किसे कहते हैं? स्वरितः समाहारः अर्थात उच्च भाग और निम्न भाग के जो मध्य भाग होता है उस मध्य भाग से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उन्हें स्वरित वर्ण कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि स्वर के कितने भेद हो गए और स्वर कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे कि व्यंजन के भेद क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन के भेद क्या क्या होते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं अर्थात
जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन बिना स्वर के व्यंजन नहीं बन सकते हैं। अगर बिना स्वर के व्यंजन होगा तो वो इस प्रकार बनेगा, जैसे कि य, र, इसमें हलंत लग जाएगा तो ये अधूरा व्यंजन कहलाता है। तो स्पूर्ण व्यंजन के लिए व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों, जिन वर्णों के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन सबसे पहले लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था कि व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। अब हम जानेंगे व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो पहला हमारा क्या है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक के जो 25 व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से? का से लेकर मा तक के जितने भी वर्ण होते हैं, मा तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। वह स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजन 25 हैं। कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 हैं। का से लेकर मा तक के 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? क वर्ग आता है हमारा स्पर्श व्यंजन में, क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ, ये हमारे क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा त वर्ग, च वर्ग। तो च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ और ञ। च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ और ञ वर्ण, ये हमारे च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आएगा ट वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। अब इसके बाद हमारा आएगा त वर्ग। त वर्ग, त वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न, ये आते हैं त वर्ग के अंतर्गत। अब हमारा आएगा प वर्ग। प वर्ग, प वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प, फ, ब, भ और म। तो ये 5 वर्ण हैं जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क से लेकर के मा तक के कितने हैं? 25 व्यंजन हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड, त, थ, द, ध, न,
प फ ब भ म। अब इसमें हमें देखना है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं। तो स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं? क च ट त और प वर्ग, ये पांच वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं? पांच वर्ग हैं। यदि क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं, तो पांच वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? पांच पांच वर्ण होते हैं। जैसे कि क वर्ग के अंतर्गत है क ख ग घ और ग, तो ये पांच वर्ण हैं। तो स्पर्श व्यंजन में पांच वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत पांच पांच वर्ण आते हैं। तो पांच और पांच मिलाकर कितने हुए? 25। कितने हुए? 25। पांच वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत पांच पांच वर्ण होते हैं। तो पांच में पांच मिलाकर कितने हुए? 25। पांच वर्ग हुए और पांच पांच वर्ण। तो स्पर्श व्यंजन के कितने होते हैं व्यंजन? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ण आते हैं। कितने आते हैं? 25 आते हैं। तो अगला हमारा जो व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद अब हमारा अगला व्यंजन आता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा आता है? दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं य, व, र और ल। ये चार वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? य, व, र और ल, ये वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन। कौन सा है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म के अंतर्गत आते हैं श, स, स और ह। ये आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत स, स, स और ह, इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन में चार वर्ण होते हैं, य, व, र और ल। और तीसरा हमारा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण आते हैं? चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से? श, स, स और ह। तो ये हमारे चार ऊष्म वर्ण हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने हुए? 33। तो व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीन व्यंजन होते हैं और व्यंजन के प्रकार हैं। अंतस्थ के अंतर्गत य, व, र और ल आता है, ऊष्म के अंतर्गत श, स, स और ह आता है, और जो हमारा स्पर्श व्यंजन है उसमें का से लेकर के माँ तक के जो 25 वर्ण होते हैं व्यंजन, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो अब हम जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं? 9, ये भी हमें पता हो गया। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हमें पता चल चुका है। अब इनके अलावा जो वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण हो गए, व्यंजन वर्ण हो गए, और इसके अलावा अयोग वा वर्ण भी होते हैं। तो अयोग वा वर्ण कौन कौन से होते हैं ये अब हम जानेंगे। तो अब हम जानेंगे कि अयोग वा वर्ण कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अयोग वा वर्ण जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी। तो अयोग वा वर्ण चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुस्वार, पहला होता है अनुस्वार वर्ण, दूसरा होता है विसर्ग और तीसरा है जीवामूली। क्या है? जीवामूली, जीवामूली। और चौथा कौन सा है? चौथा है उपधमानी, उपधमानी।
ये चार प्रकार के अयोग वाक्य के वर्ड होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अयोग वाक्य वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें क्या बताना है, अयोग वाक्य वर्ड चार प्रकार के होते हैं। यदि पूछा जाए अयोग वाक्य वर्ड कौन कौन से होते हैं, तो हमें याद रखना है अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी, ये अयोग वाक्य वर्ड होते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा अयोग वाक्य वर्ड नहीं है, तो उसमें आपके तीन ऑप्शन हो सकते हैं, तीन ऑप्शन दिया हो, चार होंगे, चार में से तीन ऑप्शन में ये वर्ड दिए हों अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली, उपधमानी। इसमें से अगर मान लिया अनुस्वार नहीं दिया है, विसर्ग दिया है, जीवामूली दिया है और उपधमानी दिया है और अगला कोई दूसरा दे दिया जैसे कि स्पर्श दे दिया, तो उसमें पूछेगा कि कौन सा अयोग वाक्य नहीं है, तो हमें किस पर टिक करना है, स्पर्श पे टिक करना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन बनाते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ड अयोग वाह नहीं है, अयोग वाह नहीं है, तो इसके ऑप्शन होंगे, मान लिया पहला ऑप्शन है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग और तीसरा है उपधमानीय और चौथा दे दिया उदात्त। तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा वर्ड अयोग वाह नहीं है, तो हमें याद रखना है कि अयोग वाह वर्ड होते हैं अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी। तो ये जो पहला वर्ड है अनुस्वार, ये अयोग वाह है, विसर्ग भी अयोग वाह है, उपधमानी अयोग वाह है, किंतु जो उदात्त है वो हमारा क्या है, स्वर है, तो हमें किस पर टिक करना है, उदात्त पे टिक करना है। तो अब देखते हैं कि अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूली और उपधमानी वर्ड क्या होते हैं। तो अनुस्वार वर्ग जो होता है हमारा वर्ड, वो इस प्रकार के वर्ण होते हैं जो अनुस्वार होते हैं, जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा किया जाता है, और विसर्ग वर्ण जो होते हैं वो ये होते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, विसर्ग का उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। और जीवामूली वर्ण जो होते हैं ये होते हैं कि यदि आधा विसर्ग का और खा से पहले लग जाए तो वो जीवामूली कहलाते हैं। कैसे, ऐसे ये आधा विसर्ग का और आधा विसर्ग ख से पहले लग जाए तो वो जीवामूली वर्ण कहलाते हैं। और उपधमानी वर्ण कौन से होते हैं, जिसमें आधा विसर्ग प और फ से पहले लग जाए, उन्हें उपधमानी वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आधा विसर्ग प और फ से पहले लग जाए, फ से पहले लग जाए तो वो होते हैं उपधमानीय वर्ण होते हैं। अनुस्वार वर्ण ये होते हैं जिनका उच्चारण नासिका के द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। विसर्ग वर्ण जो होते हैं उनका उच्चारण कंठ के द्वारा किया जाता है। और जीवामूली वर्ण जो होते हैं ये क्या होते हैं, आधा विसर्ग यदि का और खा से पहले लग जाए तो उन्हें जीवामूली वर्ण कहा जाता है। अगला है हमारा उपधमानी वर्ण। तो उपधमानी वर्ण किसे कहते हैं, यदि आधा विसर्ग प और फ के पहले लग जाए तो वो उपधमानी वर्ण होते हैं। तो